के कुछ आईटी एक्सपर्ट्स जहाँ बहुत अच्छे कोर्सेज को मुतारिफ करवा रहे हैं, वहाँ पे कुछ ऐसे ग्रुप्स भी हैं जो हमारी मासूम अकवाम का, मासूम लोगों का फ़ायदा उठाते हुए स्कैम और फ्रॉड कोर्सेज को मुतारिफ करवा रहे हैं, जो ये समथिंग घर बैठे वो लाखों एक महीने के अंदर कमा सकते हैं जी। तो उसके बारे में आप क्या कहें? जी बेसिकली अच्छे बुरे लोग हर जगह पाए जाते हैं, हर फील्ड में पाए जाते हैं, बदकिस्मती से आईटी में थोड़े ज़्यादा पाए जाते हैं। तो खैर करोड़पति तो नहीं बनते, वो सिर्फ पति बन सकते हैं किसी के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ आपकी होस्ट रबिया हुसैन और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विद रबिया। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बनती जा रही है, जो कि एक अच्छा इकदाम है, लेकिन इसके साथ साथ एक अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि कुछ आईटी एक्सपर्ट्स जहां बहुत अच्छे कोर्सेज को मुतारिफ करवा रहे हैं, वहां पे कुछ ऐसे ग्रुप्स भी हैं जो हमारी मासूम अकवाम का, मासूम लोगों का फ़ायदा उठाते हुए स्कैम और फ्रॉड कोर्सेज को मुतारिफ करवा रहे हैं कि घर बैठे $100 कमाएँ, घर बैठे आप लाखों कमाएँ। आज हमने अपने स्टूडियो में एक ऐसे मेहमान को मुद्दु किया है जो हमें इन स्कैम और फ्रॉड ग्रुप से बचने के कुछ ट्रिक्स और टिप्स बताएंगे और कुछ ऐसे कोर्सेज से मुतारिफ करवाएंगे कि जो आपके लिए और हमारी न्यू जनरेशन के लिए फ्रूटफुल हैं। हमारे साथ हैं सर हामिद सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। सर का मैं इंट्रोडक्शन देती जाऊँ, ही इज़ डूइंग PhD इन मैनेजमेंट साइंसेज, शाहरुख टेक्नोलॉजी के CEO हैं, मैनेजमेंट कोच हैं, स्टार्टअप कोच हैं। माशाल्लाह सर, इतनी यंग एज में इतना कुछ अचीव कर लिया। सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा सा बता दें कि स्टूडेंट लाइफ टू शाहरुख टेक्नोलॉजी तक आप कैसे पहुंचे? जी सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अपनी इस पॉडकास्ट में मुझे इनवाइट करने के लिए और इतना जेनरस इंट्रोडक्शन देने के लिए। सो आई डिड माई BSIT फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी फ्रॉम 2012 टू 2016 और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे असातिज़ा मिले, काफ़ी अच्छे क्लास फेलोज़ मिले। और इसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस जिस जगह लोकेटेड है वो बड़ा रिच एरिया है एजुकेशन के लिहाज से, कि वहाँ पे हमारे पास किंग एडवर्ड भी मौजूद है, हमारे पास गवर्नमेंट कॉलेज भी उसी विसिनिटी में मौजूद है, NCA भी इसी विसिनिटी में मौजूद है। तो एक बड़ा हेल्दी कम्पिटिशन पाया जाता था अमंग स्टूडेंट्स। और एक चीज़ जो सीखने को मिली उसी दौरान और आज तक मैं उस चीज़ को प्रीच करता हूँ कि इट्स नॉट ओनली अबाउट IT, इट्स अबाउट हाउ यू मिक्स इट विद डिफरेंट अदर फील्ड्स। आप आर्ट के साथ IT को कैसे मिक्स करते हैं, आप लिंग्विस्टिक के साथ IT को कैसे मिक्स करते हैं, आप मेडिसिन के साथ IT को किस तरह से मिक्स करते हैं। तो आई केम अप विद एन आइडिया कि हम कुछ इस तरह का करें कि जिसमें हम डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को डिफरेंट फील्ड्स के साथ एसोसिएट करें। सो आई डिस्कस दिस आइडिया विद माई क्लास फेलोज एंड माई कोलीग्स जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में लाइक GCU में NCA में पढ़ रहे थे, एंड दे अप्रिशिएटेड दैट आइडिया। हमने अपने जो मेंटोर्स थे, हमारे टीचर्स थे, उनसे भी इस चीज़ को डिस्कस किया, दे ऑल्सो अप्रिशिएटेड इट। लेकिन एक बात उन्होंने कही कि आप इसको फ़ौरन से अभी स्टार्ट ना करें, आप अपनी एजुकेशन पहले कंप्लीट करें, अपना BS कंप्लीट करें, क्योंकि मैं खुद भी और हमारे टीचर्स भी कभी भी उस फलसफे के कायल नहीं रहे कि डिग्री कुछ नहीं होती, आप सिर्फ शॉर्ट कोर्सेज करें, ऑल दैट इज इंपॉर्टेंट, सो वी नीड बोथ। सो आई कम्प्लीटेड माई बैचलर्स फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी और उसके बाद 2017 में हमने शाहरुख टेक्नोलॉजीज़ की बुनियाद रखी। इनिशियली वी स्टार्टेड जस्ट एज अ स्टार्टअप, हमने इसको बहुत ज़्यादा हाइप अप नहीं किया, लेकिन 2020 में आई रियलाइज्ड कि नाउ इट्स राइट टाइम टू मेक इट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और इसको एक लीगल शेल्टर के साथ एक प्रॉपर कंपनी के तौर पर लॉन्च किया जाए। सो वी डिड दैट और अल्हम्दुलिल्लाह 2024 तक इसमें काफ़ी सारी अचीवमेंट्स हैं, सम ऑफ देम आपने विटनेस भी की हैं और कुछ इंशाल्लाह हम आज की पॉडकास्ट में अपने ऑडियंस को बताएंगे भी। लेकिन अचीवमेंट से ज़्यादा मेरा आज की इस पॉडकास्ट में फोकस होगा कि बजाय कि ये बताने के कि मैं बहुत अजीम इंसान हूँ, हम बच्चों को ये बताएं कि वो कैसे अजीम बन सकते हैं। तो सर सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि जिस तरह अभी मैंने बात की कि कुछ IT एक्सपर्ट्स ने एज अ डिग्री इसको इंट्रोड्यूस किया जी, और वही IT एक्सपर्ट्स ने जैसे आप माशाल्लाह इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि उसी के IT के कुछ एरियाज़ को कोर्सेज के तौर पे मुतारिफ भी करवाया, लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि उसका फ़ायदा उठाया कुछ ऐसे फेक और स्कैम ग्रुप्स ने जो स्पेशली स्टूडेंट्स जो ये समझते हैं घर बैठे वो लाखों एक महीने के अंदर कमा सकते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी बेसिकली अच्छे बुरे लोग हर जगह पाए जाते हैं, हर फील्ड में पाए जाते हैं, बदकिस्मती से IT में थोड़े ज़्यादा पाए जाते हैं।
और उसकी वजह ये है कि कंपैरेटिवली अभी न्यू फील्ड है, तो किसी भी न्यू फील्ड में स्कैम करना ज़्यादा आसान होता है क्योंकि आम जो आवाम है उसको उस बारे में पता नहीं होता। तो आईटी में काफ़ी सारे स्कैमर्स देखने में आए। इनिशियली ये था कि आईटी में जितने भी स्कैम्स होते थे वो सिर्फ फिनटेक से रिलेटेड होते थे, लाइक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कि कोई इजी पैसा टाइप ऐप बनाएंगे और लोगों के पैसे लेके फरार हो जाएंगे। लेकिन FIA के रूल्स, FBR के रूल्स, SEC के रूल्स की वजह से ये तो काफ़ी मुश्किल हो गया। तो अब इन स्कैमर्स ने कुछ तो करना था, तो इन्होंने नया रास्ता दरियाफ्त किया। इन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि अब मासूम बच्चों की जेब से पैसा निकलवाते हैं, इनको सुहाने सपने दिखाते हैं और इनको कहते हैं कि जनाब आप रातों रात अमीर हो जाएंगे। वो 3 डेज वर्कशॉप्स होती हैं जिसमें वो लेक्चर्स देते हैं और बाकी बकौल आपके ख्वाब दिखाते हैं। Exactly. कि आप 1 महीने के अंदर अंदर करोड़पति कैसे बन सकते हो जाएंगे। तो खैर करोड़पति तो नहीं बनते, वो सिर्फ पति बन सकते हैं किसी के, तो ये तो नहीं होता। लेकिन उसमें बेसिकली आप देखें ना कि ये कौन लोग हैं जो इस फील्ड्स में आए। IT पहली इंडस्ट्री नहीं है जिसमें ये स्कैम्स हुए, रियल स्टेट में ऐसा हुआ। और रियल स्टेट में भी ये जो सुहाने सपने दिखाए जाते थे, सब्ज बाग दिखाए जाते थे, वो कैसे होता था कि जी अपना घर अपनी जन्नत, exactly, 15,000 की आसान किस्त से शुरू करें। सो द सेम टैक्टिक्स इन लोगों ने अपनाए। इन्होंने कहा कि जी आप ऐसा करें कि आप बस 15,000 फीस है हमारी मंथली ज्वाइन कर लें, 3 मंथ का कोर्स है, 45,000 हमें दे के आप हजारों लाखों कमाना शुरू कर देंगे। तो कोई भी कच्चा जहन ये बातें सुन के आराम से कन्विंस हो जाता है कि ठीक है। और मैंने लिटरली बच्चों को अपने पेरेंट्स से लड़ते देखा है कि आप हमारी बात नहीं समझ रहे, यानी कि आप बेवकूफ़ हैं, हमें ये 45,000 खर्च करने दें। तो इट्स अ ट्रैप और ये काफ़ी सारे लोग कर रहे हैं। जहाँ तक हमारे इदारे का ताल्लुक है तो हम लोग ट्रेनिंग्स में तो बिल्कुल भी नहीं हैं, लेकिन हम काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स को फैसिलिटेट ज़रूर करते हैं क्योंकि ज़रूरत है, ट्रेनिंग इदारों की ज़रूरत है। डिग्री करने के बाद भी बच्चा जब मार्केट में जाता है तो स्टिल उसको काफ़ी ग्रूमिंग की ज़रूरत होती है। तो अगर हम ये समझ लें कि नहीं सिर्फ 4 साल की डिग्री ही सब कुछ है और ट्रेनिंग की कतन कोई ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा भी ठीक नहीं है। ये एक एक्सट्रीम है कि जी ट्रेनिंग की सिरे से ज़रूरत नहीं है, और एक दूसरी एक्सट्रीम है कि डिग्री की सिरे से ज़रूरत नहीं है और डिग्री इज़ अ स्कैम। तो दरमियानी रास्ता ये है कि दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, हमें सिर्फ पिक एंड चूज़ करना है कि एक्चुअली काम कौन कर रहा है। तो एक्चुअली काम करने के लिहाज से स्टूडेंट्स को मेरी सजेशन ये है कि कोशिश किया करें कि ऑथेंटिकेटेड ट्रस्टेड इदारों की तरफ जाएँ, और ख़ास तौर पे अगर कोई इदारा गवर्नमेंट बैक्ड है तो मस्ट चूज़ इट, क्योंकि गवर्नमेंट बैक्ड इदारा होगा तो वो आपको सब्सिडी भी देगा फीस में, वो आपसे कोई हैवी चार्जेस नहीं लेगा, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ट्रेनिंग देगा। अब तो गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस करवा दिया है कोर्सेज को, एग्जैक्टली IT से रिलेवेंट, एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा। और इसमें हमारे पास TEPTA है जो कि टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, इसके अलावा NAVTEC है जो कि नेशनल लेवल पे ये काम कर रहा है, और इसके अलावा एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है DigiSkills के नाम से। Exactly. तो DigiSkills के साथ मेरी काफ़ी अटैचमेंट भी रही। 2018 में जब DigiSkills को लॉन्च करना था तो इट गॉट लॉन्च्ड ऑन माई बर्थडे, तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है बताने के लिए कि मेरी उसके साथ कितनी अच्छी एसोसिएशन रही है। और शारू टेक्नोलॉजीज वाज एन आउटरीच पार्टनर ऑफ DigiSkills बैक देन एंड टिल नाउ, और हमें यह टास्क दिया गया था कि अगर चंद लाख बच्चे भी इस प्लेटफॉर्म से इस्तेफादा कर लेंगे तो दैट वुड बी ग्रेट। और अल्हम्दुलिल्लाह स्टैट्स ये बताते हैं कि अब तक 5 मिलियन प्लस बच्चे उस प्लेटफॉर्म से ट्रेनिंग ले चुके हैं। तो मैं अक्सर एक रफ सी कैलकुलेशन शेयर करता हूँ अपनी ऑडियंस के साथ कि अगर वो 5 मिलियन बच्चे ऑन एवरेज अगर $50 भी कमा रहे होंगे तो वो एक हैंडसम अमाउंट बनती है जो पाकिस्तान में एज ज़र मुबादला आ रही है। कोई स्कैम नहीं, कोई शोशा नहीं, कुछ नहीं, गवर्नमेंट बैक इनिशिएटिव, गवर्नमेंट कोई फ़ीस नहीं लेती उस पर, और आप आराम से बहुत क्वालिटी कोर्स वहाँ से कर सकते हैं। उसमें आपके पास फ्रीलांसिंग के कोर्सेज़ हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्सेज़ हैं, ऑटो कैड के कोर्सेज़ हैं, वेब डेवलपमेंट के कोर्सेज हैं, और इसके अलावा काफ़ी सारे और कोर्सेज़ भी हैं। तो स्टूडेंट्स को चाहिए कि बजाय कि इन फैंसी इदारों के नाम और इनकी फैंसी इमारतों को देख के इम्प्रेस होने से उस तरफ जाएं जहां कोर्स कंटेंट अच्छा है। Exactly. और कोर्स कंटेंट की जहां तक बात है, हमारे पास वर्ल्ड के टॉप इदारे हार्वर्ड, MIT, इनके ऑनलाइन कोर्सेज भी फ्री में अवेलेबल हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बिल्कुल सर, आज के AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ChatGPT, दे बोथ आर सो कॉमन, तो क्या इन दोनों ने मैन्युअली जो प्रोफेशनल्स हैं क्या उनको रिप्लेस किया है, या इन फ्यूचर सब ये कहते हैं कि नहीं ये जो मैन्युअली प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए एक डेंजरस है ये दोनों टूल्स, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा, कोई भी चीज़ इन इटसेल्फ अच्छी बुरी नहीं होती। जैसे टेलीविज़न जब आया तब भी यही कहा गया कि जी बर्बाद कर देगा सब कुछ, जब कंप्यूटर आया तब भी यही कहा गया,
इवन मुझे तो नहीं याद, लेकिन मैंने किताबों में पढ़ा है कि जब प्रेस आज़ाद हुआ था तो तब भी ये कहा गया था कि बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो हो जाएंगे। जाएंगे। जब कपड़ा बनाने वाली खड्डी ईजाद हुई थी तो तब भी ये कहा गया था कि ये सारा मजदूर तबका कहाँ जाएगा। तो बिल्कुल कोई भी चीज़ इन इट सेल्फ अच्छी बुरी नहीं होती, हाउ वी अप्रोच इट, हाउ वी यूज़ इट। सो AI को लेके दो चीज़ें हैं कि दो पार्ट्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो वी मस्ट स्टिक विद द इंटेलिजेंस पार्ट ऑफ इट बिकॉज ह्यूमन बींग्स आर सुपीरियर टू अदर रेसेस जस्ट बिकॉज ऑफ इंटेलिजेंस। हमें इल्मुल अस्मा दिया गया था अल्लाह ताला ने, जब आदम अलैहिस्सलाम को नामों का इल्म दिया गया था तो वह इंटेलिजेंस थी। अदरवाइज इस दुनिया में सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों मखलूकात एग्जिस्ट करती हैं। वाई ह्यूमन बींग इज़ सुपीरियर जस्ट बिकॉज ऑफ इंटेलिजेंस। तो उस इंटेलिजेंस की जो सुप्रीम फॉर्म है वो हमारे पास ही रहनी चाहिए इन एनी केस। ऐसा नहीं होना चाहिए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कि हम एक ऐसा जेन ईजाद कर लें, खुद से अपने हाथों से बना लें, जो हम सब की ही क्यूमुलेटिव इंटेलिजेंस लेके हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाए और हम उस पर इंटायरली रिलाई करना शुरू कर दें। हमारे पास जो मेंटल मैथमेटिक्स की कैपेसिटी है वो अब की जनरेशन की कम है एज़ कम्पेयर टू द ओल्डर जनरेशन। ओल्डर जनरेशन से आप आज भी पूछेंगे 200 × 200 वो आपको आराम से बता देंगे। लेकिन यंगर जनरेशन से आप पूछेंगे 20 × 20 20 × 10 दे कांट डू इट विदाउट कैलकुलेटर, क्योंकि शॉर्टकट्स की तरफ भी आ गए। एग्जैक्टली, और डिजिटल भी। सो सेम इज़ द केस विद AI। अगर आप AI को किसी पर्टिकुलर फील्ड में ट्रेन करके, लाइक मेडिसिन में या लॉ में या इस तरह की किसी भी फील्ड में ट्रेन करके आप उससे कंटेंट राइट करवाते हैं, आप उससे चीज़ों की ऑटोमेशन करवा देते हैं, तो ये तो बहुत खूबसूरत बात है। Exactly. कि जो TDS किस्म की जॉब्स हैं, ह्यूमन बींग जो एक सुपीरियर मखलूक है उसका टाइम इन फालतू चीज़ों में ज़ाया नहीं होना चाहिए। सो वट ह्यूमन शुड डू, ह्यूमन शुड कम्पोज म्यूज़िक, ह्यूमन शुड क्रिएट आर्ट, ह्यूमन शुड सिंग। सो ये वो चीज़ें हैं जो ह्यूमंस को करनी चाहिए। लेकिन अलार्मिंगली इसके उल्ट हो रहा है। टीडियस जॉब्स, लेबरस जॉब अभी भी ह्यूमंस कर रहे हैं, और AI से हम सॉन्ग्स लिखवा रहे हैं, AI से हम सिम्फनीज जनरेट करवा रहे हैं, AI से हम आर्ट जनरेट करवा रहे हैं। सो यहाँ हमें दोबारा रीथिंक करने की ज़रूरत है चीज़ों को। अदरवाइज जैसे कि IT के बड़े कह रहे हैं, उसमें एलन मस्क एक नाम है, कि AI एक बहुत डेंजरस चीज़ साबित हो सकती है। जैक मा प्रेडिक्टेड इट लॉन्ग अगो, लेकिन उस वक्त शायद एलन मस्क ने इस चीज़ को काउंटर किया था, लेकिन अब वो खुद भी इस बात पे एग्री करते दिखाई दे रहे हैं। तो इससे पहले कि बिल्ली थैले से बाहर आए, हमें इस बिल्ली के बारे में सोचना पड़ेगा कि ये हम इसको किस तरह से लेके चलेंगे। तो आप न्यू जनरेशन के लिए क्या सजेशन देंगे कि कैसे वो मैक्सिमम प्रोग्रेस कर सकते हैं, क्योंकि प्रोग्रेस का जो रूल होता है वो होता है हार्ड वर्क, और वो हमारी अनफॉर्चुनेटली जो न्यू जनरेशन है वो उनकी डिक्शनरी में वर्ड नहीं रहा, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? सर थोड़ा सा तो मैं डिसएग्री करूंगा आपसे कि हमारी न्यू जनरेशन की डिक्शनरी में हार्ड वर्क है, लेकिन शायद हमारे इंपेशेंस है वो। अच्छा, उसकी भी कुछ वजूहत हैं। ये वो जनरेशन है जिसने कोविड देखा, ये वो जनरेशन है जिसने रातों रात मिलियनियर्स को सड़क पे आते देखा, और ये वो जनरेशन है कि जिसने स्कैमर्स को रातों रात चांद पे चढ़ते भी देख लिया कि आसमान पे चढ़ गए रातों रात। तो ये जो इंपेशेंस आ रही है ना बच्चों में, उसकी कुछ वजूहत हैं, दैट कैन बी अनदर पॉडकास्ट, हम इस पर बड़ी डिटेल से बात कर सकते हैं। लेकिन चने हैविंग एस्टेब्लिश द फैक्ट कि अब इनमें इंपेशेंस है और ये जल्दी जल्दी करना चाहते हैं सारी चीज़ों को। तो कोई भी चीज़ है, एक बच्चा है वो बोलना सीखता है, अब इसमें हम दोनों को समझना पड़ेगा। एक वो तबका जिसको लगता है कि नहीं जी, जब तक आप बेसिक्स कवर नहीं करेंगे आप आगे नहीं जा सकते, ये एक एक्सट्रीम है। एक वो एक्सट्रीम है, दूसरा तबका वो कहता है नहीं, बच्चा जब बोलना सीखता है पहले अलिफ़ थोड़ी सीखता है, वो डायरेक्ट अम्मा कहता है। जब वो अम्मा कहता है उसको थोड़ी पता होता है कि अलिफ मीम अलिफ नून गुन्ना से अम्मा बनता है, वो तो डायरेक्ट अम्मा कह देता है। बाद में कहीं जा के बड़े होकर उसको पता चलता है कि ये तो इसकी कंपोजिशन ये है। तो दोनों एक्सट्रीम्स हैं, जो असल रास्ता है वो शायद दोनों के कहीं दरमियान में है, कि बच्चा जब अम्मा कहना सीखता है तो पहले वो उसके फोनेटिक्स सीखता है। बिल्कुल ऐसे, ठीक है, शायद वो स्टेप बाय स्टेप आता है। तो मेहनत डेफिनेटली बेसिक इंग्रेडिएंट है, उसके बगैर तो कोई भी चीज़ आप अचीव नहीं कर सकते। और यंग जनरेशन को जो सीखने की ज़रूरत है वो ये सीखने की ज़रूरत है कि ठीक है, स्मार्ट वर्क बहुत अच्छी चीज़ है। Exactly. हम लोगों ने बहुत ग्लोरीफाई कर दिया, ओवर ग्लोरीफाई कर दिया स्मार्ट वर्क को, कि जी हार्ड वर्क तो डंकी भी करता है, स्मार्ट वर्क करें, इंटेलिजेंट वर्क करें। ओके फाइन, इसकी इंपॉर्टेंस है, लेकिन इसका कतन ये मतलब नहीं है कि आप दूसरी चीज़ को बिल्कुल ही डिग्रेड कर दें और इसको इतना सुपर ग्लोरीफाई कर दें कि सिर्फ यही हर चीज़ है। आपको अगर किसी जगह जाना है तो ऑब्वियसली वहाँ आपका अभी तक होलोग्राम टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की नहीं की कि आप अपना होलोग्राम भेज दें। अगर मुझे आज यहाँ पॉडकास्ट पे आना था तो आई हैड टू रीच हेयर ऑन अ स्पेसिफिक टाइम,
तो ये मेहनत के बगैर पॉसिबल पॉसिबल नहीं नहीं है, है। बिल्कुल ऐसे आप है। जितनी मर्जी क्रिएटिविटी ले लें, जितना मर्जी कुछ कर लें, मैं यहाँ एक एग्जांपल कोट करूँगा। हमारे जो हाईली क्रिएटिव लोग होते हैं ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव करते हैं, लेकिन एक बड़ा अलार्मिंग चीज़ आपने देखी होगी कि अक्सर इनका जो लाइफ की एंडिंग मोमेंट्स होती हैं वो कुछ अच्छी नहीं होती। बिल्कुल क्रिएटिव आर्ट्स के अक्सर लोग कभी हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर दुनिया से वफात पा एग्जैक्टली जाते हैं। ऐसे ही है, ऐसा ऐसे क्यों ही होता है। है? दैट कैन बी अनदर पॉडकास्ट। तो मुख्तसरन ये कि इसकी वजह ये होती है कि वो स्मार्ट वर्क को ओवर ग्लोरीफाई कर चुके होते हैं और सिर्फ मेंटल कैपेसिटी पे सारा फोकस होता है, फिजिकल ट्रेड्स पे बिल्कुल भी कोई बिल्कुल नहीं फोकस होता, नहीं बिल्कुल होता। एग्जैक्टली तो इंसान को अल्लाह तआला ने जिस तरह से डिज़ाइन किया है, आपको फिजिकल ट्रेड्स भी चाहिए, आपको मेंटल कैपेसिटी भी चाहिए, एंड देन आपको एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी चाहिए। चाहिए है। यू नीड टू सबमिट योर सेल्फ बिफोर अ गॉड, क्योंकि उसके बगैर आप खुद से कुछ टूट भी नहीं जाएंगे। कर सकते, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल तो ये ऐसे जो यंगर जनरेशन है इसको ये सीखने की ज़रूरत है कि सिर्फ किसी एक एक्सट्रीम को लेके उसी पे ही रिजिड हो जाने से गुजारा नहीं होगा। आपको दोनों तरफ की राय ना सिर्फ सुननी पड़ेगी बल्कि उसमें दरमियानी रास्ता इख्तियार करना करना पड़ेगा, पड़ेगा। क्योंकि हदीस मुबारक है कि खैरुल उमूरी औसतुहा कि मियाना रवि जो है वो बेस्ट पॉलिसी बेस्ट है। पॉलिसी तो है, मियाना रवि अगर बेस्ट पॉलिसी है तो उसका आसान मतलब ये है कि आप दोनों एक्सट्रीम्स को सुने और बिल्कुल फिर देखें कि आपके लिए क्या राइट है। अब यहाँ ये भी मैं चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा कि मियाना रवि हर एक की सेम नहीं होती। अगर मेरे पास मेरे बैंक अकाउंट में इस टाइम 10 लाख पड़ा है तो मेरे चैरिटी के लिए मियाना रवि शायद 50,000 है, तो ठीक है यार इतना तो मैं चैरिटी में इतना तो दे कर सकता दे हूँ। सकता लेकिन हूँ। एक वो इंसान जिसकी मंथली सैलरी ही 50,000 है उसकी मियाना रवि 50,000 नहीं नहीं होगी। होगी। ठीक है, तो इट्स परसेंटेज बेस, बिल्कुल इट्स नॉट एब्सोल्यूट वैल्यू। कि आप एब्सोल्यूट वैल्यू पर जज करें कि जी एलॉन मस्क साहब तो $3 बिलियन की चैरिटी करते कर हैं तो सकते मैंने हैं। भी हाँ, 3 बिलियन की भी इतनी चैरिटी करनी है, करनी है। आपने तो ज़िंदगी में कभी $3 बिलियन बिल्कुल नहीं नहीं देखे, देखे। तो इट्स नॉट रिलेटेड टू यू। या ये जो यंगर जनरेशन अपने हीरोज़ को या अपने बड़ों को देखती है कि जी वो बुगाटी चलाते हैं, वो फरारी चलाते हैं, मुझे भी बिल्कुल, फरारी वो भी चलानी उसी है। रेस में फिर दौड़ते हैं। एग्जैक्टली, और उसकी फिर कोई एंडिंग नहीं है। बिल्कुल दुनिया नहीं का है। बेस्ट इदारा है मैनेजमेंट साइंसेस को लेके, बिजनेस साइंसेस को लेके, हार्वर्ड। और हार्वर्ड की अपनी केस स्टडी है कि हमारे अक्सर ग्रेजुएट्स दे एंड अप डूइंग सुसाइड बाय सो, क्योंकि वो एक बिल्कुल अनलिमिटेड रेस में लगे हुए हैं। लगे हुए हैं। तो वी नीड टू पुट अ फुल स्टॉप देयर, वी नीड टू एग्जैक्टली, अंडरस्टैंड कि हमारे लिए क्या राइट बिल्कुल, है। क्योंकि आज की जनरेशन को ना क्विकली सब कुछ चाहिए, जब उन्होंने बोल दिया बस वो हाजिर हो विदाउट एनी एंड हार्डवर्क अगेन और इसमें फिर थोड़ा सा ऐसे पेरेंटिंग का है। इशू भी है। बिल्कुल, हमारे वक्त दिस इज में, अनदर टॉपिक, या दिस इज येट अनदर अनदर टॉपिक, टॉपिक। हमारे वक्त में जब हम अपने पेरेंट्स से कोई फरमाइश करते थे तो विद ड्यू रिस्पेक्ट मुझे आज तक याद नहीं पड़ता कि मेरे पेरेंट्स ने मेरी कोई भी फरमाइश पहली दफ़ा में पहली पूरी दफ़ा की में हो, एग्जैक्टली ऐसे ही था, कभी भी ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। ऐसे नहीं, लेकिन अब बिल्कुल। जब हम बच्चों को देखते हैं तो अभी बात उनके मुंह में होती है और पेरेंट्स पूरी कर बिल्कुल देते हैं। तो पेरेंट्स को भी यहाँ थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि शायद इनका एग्जैक्टली कसूर है, क्योंकि हम बड़े मज़े से पॉडकास्ट में बैठ के ये कह देते हैं कि जी ये जो यंगर जनरेशन है ना इसके ये इशूज़ हैं, ये ये इशूज़ इश्यूज हैं, हैं, ये ये इशूज़ इश्यूज हैं। मैं चूँकि ज़रा मिडिल जनरेशन से आता हूँ, मैं उनको भी समझता हूँ, उनको भी समझता हूँ, तो मैं थोड़ी सी वकालत बिल्कुल यंगर जनरेशन की भी करूँगा कि दे आर नॉट ऑलवेज रॉन्ग, समटाइम वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दैम। तो उनके लिए सही, मशवरा कोई नहीं है, उनके लिए सिंपल सा मशवरा है कि जो दिल में आता है करें, लेकिन करें, लेकिन करें, बराए मेहरबानी करें, एक काम लेजीनेस कर ना लें दिखाएं। लेकिन उसको कर लें। और अगर एक काम में दिल नहीं लगता, आपको स्विच भी करना है, तो स्विचिंग में कोई कबाहत नहीं है। बड़े बड़े स्टार्टअप्स, बड़े बड़े आइडियाज़ ने पिवट किया, दे बिल्कुल स्टार्टेड समथिंग एल्स लेकिन दे एंडेड अप बीइंग समथिंग एल्स। फूड पैंडा की एग्जांपल हमारे पास है, हमारे पास ईबे की एग्जांपल है, हमारे पास अमेजोन की एग्जांपल है। बिल्कुल दे ऐसे ही स्टार्टेड है, लाइक अ बुक स्टोर और अब अमेजोन क्या है वो सबको पता ऐसा है। ही है। अरे थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो फॉर योर प्रेशियस टाइम, आपने अपनी मसरूफियत में से हमारे लिए टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया। प्लेजर इज ऑल माइन, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, अब इजाज़त चाहते हैं, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए टॉपिक और एक नए मेहमान के साथ। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।